दोस्तों रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में ये तीन घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो गई हैं। कड़वी हैं पर सच हैं। स्त्रियों के बारे में रावण ने जो कहा था वह आज आप देख सकते हैं। आप सभी ने रामायण की कहानी तो सुनी ही होगी। आपको बता दें धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण एक ऐसा शख्स था जिसने सीता माता का हरण करके न सिर्फ उसने गलती की थी बल्कि भगवान श्री राम जी से दुश्मनी भी ले ली थी। देखा जाए तो पूरी दुनिया रावण को एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है। परंतु क्या आप जानते हैं रावण भगवान राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि उसने सीता माता का हरण करके खुद अपनी जिंदगी समाप्त करने का निमंत्रण दे दिया था। रावण ने भले ही सीता माता का हरण जरूर किया था परंतु इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि रावण को सहन शक्ति के कारण ही सीता जी की मर्यादा बची हुई थी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था तो उसके पश्चात रावण ने कभी भी सीता जी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की थी। वैसे हम यहाँ पर रावण को अच्छा नहीं कह रहे हैं बल्कि हम आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। रावण की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपने प्राण गंवाने पड़े थे। परंतु आखिरी समय में रावण ने जब अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज सत्य साबित हो रही हैं, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। स्त्रियों के बारे में जो रावण ने कहा था उसे आप भी जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर वन, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले पहली बात ये बताई थी, स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात पता चल जाए तो ये उसे पचा नहीं पाती और उस बात को सभी जगह आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं और ये बात कुछ हद तक सत्य साबित हुई है। दोस्तों फैक्ट नंबर टू, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले दूसरी बात ये बताई थी, स्त्रियां बहुत ज्यादा ही मतलबी होती हैं और ये अपना मतलब निकालने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे किसी को छोड़ना पड़े या फिर अपनाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण के इन बातों का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रावण के इन बातों से बिल्कुल झूठ समझते हैं। अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई ये बातें किस हद तक सच हैं और किस हद तक झूठ हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर थ्री, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीसरी बात ये बताई थी कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं और वो कभी भी सत्य नहीं बोलती। इसी वजह से स्त्रियों के ऊपर कभी सोच विचार के भरोसा करना चाहिए। स्त्रियां इधर की बात उधर अधिक करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच वाद विवाद भी करा सकती हैं जिससे कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। आप खुद ही दैनिक जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई बातें सत्य हैं या असत्य। दोस्तों यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट में बताएं रावण द्वारा कही गई बातें सत्य हैं या असत्य।